यस फ्रेंड्स, तो फॉरेन ब्रांच की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन 31 मार्च 2012 द फॉलोइंग लेजर बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, ठीक है, हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वॉशिंगटन ब्रांच ऑफिस। लेजर अकाउंट दे रखे बिल्डिंग स्टॉक कैश एंड बैंक बैलेंस परचेज सेल्स कंपनी रिसीट्स डेटर क्रेडिटर्स। हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एवब लेजर बैलेंस इनटू इंडियन रुपी, यूज द फॉलोइंग रेट्स। अब क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इन्होंने सब कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि ये रेट यूज करो। सो आप जानते हैं कि जब उन्होंने बोल दिया कि फिक्स एसेट्स के लिए आप ये 42 यूज करो, ओपनिंग के ओपनिंग, क्लोजिंग के क्लोजिंग, एवरेज के एवरेज, तो उनको हम उसी के बेसिस पर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लेजर बैलेंस इनटू इंडियन रुपीस। ये आपके यूएस डॉलर हैं, ये रेट है और ये अमाउंट आ जाएगी इन आईएनआर। चलिए देख लें एक एक करके। बिल्डिंग स्टॉक कैसेट बैंक, तो ये बिल्डिंग है 180, स्टॉक 1 अप्रैल 2011 26, कैश एंड बैंक बैलेंस 357 है। इसके बाद परचेज सेल कंपनी रिसीट्स, परचेज सेल्स परचेज हो गई 96 की, सेल्स हो गई 110 की, कमीशन मिला है 28 का, और फिर आपके डेटर और क्रेडिटर्स हैं, कितने कितने हैं 46 एंड 65। फिक्स एसेट्स के लिए उन्होंने बोला 42 यूज करो, ओपनिंग हमारा 46 है, क्लोजिंग 50 है, एवरेज 48 है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, एसेट्स हमारे जो है वो क्लोजिंग रेट से, और पीएनएल के जो एलिमेंट हैं वो हमारे एवरेज रेट से कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। सो ये आपका आ गया 7560 1196 2850 4608 5280 1344 2300 3250। और ये ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ आपसे बोला कि इनको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये इतने में ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दे हैव आस्क्ड ओनली फॉर द कन्वर्जन। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।